महानगर में मंगलवार को एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने गोलघर मार्केट में सड़क पर सफेद पट्टी पर खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया और उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान किया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि गोलघर महानगर का बड़ा मार्केट है, यहां पर लोग वाहनों को खड़ा कर देते हैं जिससे कि जाम लग जाता है और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए सड़क पर सफ़ेद पट्टी पर बने खड़े वाहनों का चालान किया जा रहा है और जिन वाहनों के स्वामी मौके पर मौजूद नहीं हैं उन गाड़ियों को उठाकर यार्ड भिजवाया जा रहा है, जिससे कि लोग जागरूक होकर अपने वाहनों को सही जगह पर खड़ा करें और यातायात बाधित ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, वाहन खड़ा करते समय सफेद पट्टी का बिल्कुल ध्यान दें, अन्यथा चालान की कार्रवाई की जाएगी या तो गाड़ी उठ के चली जाएगी। रोड पे कोई भी गाड़ी खड़ी ना करें, फोर व्हीलर टू व्हीलर रिक्शा रिक्शा ऑटो रिक्शा, अन्यथा गाड़ी की चालान की जाएगी या तो गाड़ी उठ के चली जाएगी। जरूरी बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें, बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें। रोड पे गाड़ी खड़ी करते समय सफेद पट्टी का बिल्कुल ध्यान दें, अन्यथा गाड़ी की चालान की जाएगी या तो गाड़ी उठ के चली जाएगी। फोर व्हीलर टू व्हीलर रिक्शा रिक्शा ऑटो रिक्शा, अन्यथा गाड़ी की चालान की जाएगी या तो गाड़ी उठ के चली जाएगी। दो गज की दूरी मास्क जरूरी, बिना मास्क घर से बाहर ना निकले, बिना मास्क घर से बाहर ना निकले। गाड़ी खड़ी करते समय सफेद पट्टी का बिल्कुल ध्यान दें, गाड़ी खड़ी करते समय गाड़ी की चालान की जाएगी या तो गाड़ी उठ के चली जाएगी। रोड पे कोई भी गाड़ी खड़ी ना करें, फोर व्हीलर टू व्हीलर रिक्शा रिक्शा ऑटो रिक्शा, अन्यथा गाड़ी की चालान की जाएगी या तो गाड़ी उठ के चली जाएगी। ये शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए फुटपाथ पर किसी तरह की जो हमारी लाइनें हैं सफ़ेद लाइनें बनाई गई हैं सड़क के दोनों तरफ, उस पर उस लाइन के उस पार ही गाड़ियां खड़ी हों, सड़क पर गाड़ियां ना खड़ी हों, जिससे जो हमारे वाहन चल रहे हैं जो हमारे पब्लिक चल रही है उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी को लेकर के रोज़ अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की जा रही है। जो गाड़ियाँ पाई जा रही हैं उनकी चेतावनी भी दी जा रही है और जिनका कोई बारिश नहीं दिख रहा है उनको फिर उठा करके हम यार्ड में भी ले जा रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं।